सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से मोस्ट मैंडेटरी लाइन किया। तो बात ऐसी है कि भाई आज हम जा रहे हैं कार वॉश पे अपनी बहुत ही ज्यादा गंदी गाड़ी को साफ करने। ठीक है, जब से ली है उसके बाद अब साफ साफ होने जा रही है। हाँ, पहली बात तो हमें ये देखना है कि वो कार वॉश खुला होगा कि नहीं, बट वो बात की बात है। तो ऑस्ट्रेलिया में भाई ये सिस्टम नहीं होता कि तुमने एक बंदे रखा जिसको 100 रुपए दे रहे हो तो महीने के हफ्ते के और वो डेली गाड़ी आके साफ कर देगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कार वॉश होती है प्रॉपर। तो हम कार वॉश पे रहेंगे, अपनी गाड़ी को साफ करेंगे और बाकी डिटेल्स हम गाड़ी में देते रहेंगे तुम्हें कि कार वॉश में कितना पैसा लगता है, कितने टाइप की कार वॉश होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, सिर्फ और सिर्फ कार लवर्स के लिए भाई। तो भाई एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। भाई गाड़ी साफ करने से पहले ये जरूरी है कि तुम ये दिखाएं कि हमारी गाड़ी एक्चुअली में गंदी कितनी है। तो अगर तुम डिक्की में देखो तो बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है, ऊपर से मिट्टी मिट्टी हो रखी है। और यहाँ देखोगे तो भाई जाले पनप रहे हैं मकड़ी के। ठीक है, नंबर प्लेट के ऊपर। एंड उधर से भी जरा देखो व्यू, व्यूअरशिप। और भाई ये देख रहे हो टायरों की हालत, बहुत बहुत ही गंदे, बहुत मिट्टी लग रखी है गाड़ी की। तो लाइक ऐसी की तैसी हो रखी, बहुत गंदी है। ये देखो हालत, देखो जरा इस टायर की। बढ़िया दिन है आज, धूप भी से निकली, मौसम भी सही है, सही वक्त साफ कराने का। और आई थिंक सबसे गंदा टायर हमारा ये है चारों में से। ये देख रहे हो मकड़ी के जाले यहाँ छोटे छोटे से हर जगह। और एक्चुअल अगर देख, अगर तू इस स्पॉट को देखे, एक्चुअल जो कलर है ना पहिए का, वो ये है अंदर से। तो आज ऐसे करना अपने पूरे पहिए। एंड ये किसका काम है, यू रिमेम्बर दिस? ये भाई हमारे किसी दोस्त के साथ हो गया था डिजास्टर, क्लब से आते हुए। तो सैटरडे नाइट को हम निकले अपने दोस्तों के घर से पार्टी करके, भाई साहब ने बोला रोको गाड़ी, और इससे पहले हम गाड़ी रोकते उदू उससे पहले ही वो यहाँ हो गया था। तो आज इसको साफ करवाते हैं। एंड इसका फोक्सवैगन को तो गॉन ही हो गया, पता नहीं कहाँ गिरा ये। वो भी आप चलते हैं कार वॉश और देखते हैं कि ये कितनी साफ हो सकती है आज। चमकाया जाए गाड़ी को जरा अपनी। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से गाड़ी गंदी थी, ये अपने अंदर भी कचरा है थोड़ा, ये नीचे भी आज वैक्यूम मारना पड़ेगा। और ये थोड़ा अंदर, ये चिप्स कब के हैं ये मुझे नहीं पता, ये तो मैंने खाए भी नहीं। तुम्हारे हैं ये, तुम्हारे काम है। और पीछे देखा जाए तो ये डब्बा पड़ा हुआ है, थोड़ा कचरा पीछे भी पड़ा हुआ है, सो काफी चीजें हैं। और भाई एक और चीज, जो हम हैंड वॉश करवाने जा रहे हैं ना कार, वहां पे चाहिए होते कॉइन्स। हैंड वॉश नहीं, मैनुअल वॉश, मैनुअल वॉश सॉरी। तो वहां पे कॉइन से काम होता है, तो पहले हमें कॉइन्स निकालने पड़े, बिकॉज हमें यहाँ पे कैश तो यूज करते ही नहीं है बिल्कुल भाई। तो स्पेशली पहले $10 का एटीएम से निकाला हमने कैश, उसको खुले कराए। भाई बारिश होने वाली है, सोच हम कार वॉश करा के निकले और उसके बाद ही बारिश हो जाए, पैसे बर्बाद। भाई जैसे तुम्हें पता होगा हम व्लॉग आजकल थोड़ा कम बना रहे हैं, काफी दिनों बाहर निकले हैं और एक्स्ट्रा हम करने की सोच रहे हैं, बट करा क्या जाए। प्लस यूजली अगर हम निकलते हैं भाई व्लॉग बनाने के लिए, हम मॉर्निंग में निकल रहे होते हैं, शाम को बहुत निकले हैं 5:30 बजे कार वॉश कराने, क्योंकि आज सुबह अपने यूनी का काम था। तो पहले यूनी में पड़े होते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक, असाइनमेंट में अपनी मरवाई। एंड भाई अगर तुम्हें हाई प्रेशर कार वॉश नहीं करानी तो तुम उसमें भी करवा सकते हो, हैंड वॉश करा सकते हो दूसरे बंदों को पैसे देके, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, $130 to $140 के बीच लग जाता है पूरा खर्चा, विच इज नॉट फीजेबल अनलेस यू आर अ मिलियनेयर। ठीक है, तो देख लेना भाई, जिस बात का डर था हमें वो हो चुका है, बारिश स्टार्ट हो गई है। अब बस ये उम्मीद करने की बारिश ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि जब हम निकाल के सुखा के गाड़ी को निकलेंगे, मैं चाहता नहीं वो दोबारा सडनली गीली हो जाए, देन कीचड़, देन व्हील्स बैक टू बेसिक, और पैसे पैसे तो वहीं बर्बाद हो जाए। तो बहुत फनी मौसम है, काफी बारिश भी हो रही है और वो वहां से धूप भी आ रही है, तो क्या समझा जाए इसको, बारिश समझी जाए? यही तो खूबसूरती है पर्थ के वेदर, यही खूबसूरती है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है, तुम्हें धूप भी मिलेगी, तुम्हें बारिश भी मिलेगी। तो यू टर्न मार ले, चली ले कार वॉश, या देखी जाएगी, देखिए पैसे या तो बर्बाद करवा ली जाए। पहुंचते हैं फिर देखते हैं भाई, आगे दिखना बंद होने वाला थोड़ी देर में अगर बारिश ऐसी चलती रही। 2 मिनट के अंदर हमने फुल सनशाइन देख ली है, हमने हैवी बरसात देख ली है और दोबारा बारिश बंद हो गई है। तो ये है भाई पर्थ का वेदर, जितने लोग पूछते हैं ना पर्थ का वेदर कैसा है, तो भाई ऐसा है पर्थ का वेदर। ये मिट्टी देख रहे हो डैशबोर्ड पे, ये भी साफ करवानी है आज। भाई जूते देख रहे हो, ये भी गंदे हो रखे हैं, इनका भी, इनको भी साफ करवाना है। तो भाई कार वॉश पे तो आ गए हम, एंड भाई बहुत ठंड हो गई बारिश पड़ने के बाद, अलग से ना हवा तेज हो गई, अब ठंड लग रही है ना, ठंड हो रही है ब्रो। एंड भाई आ तो गए हम यहाँ पे, लेकिन आइडिया कुछ है नहीं, तो जरा इंस्ट्रक्शन और ये सब पड़े आ रहे हैं, और यहाँ तो हमारे साथ सरप्राइज हो गया, हमें लगा था सिर्फ कॉइन जाते हैं, एफ पोस्ट भी लेते हैं लोग।
देख मैंने यहाँ तक हिसाब लगाया है, पहले हमें प्री सोक करना पड़ेगा ताकि लो, फिर हम लो प्रेशर टायर इससे साफ कर पाएंगे अपने टायर, ठीक है। वो ब्रश पड़ा हुआ है साबुन के साथ, नहीं पहले साबुन वाला मशीन ऑन करनी पड़ेगी, फिर हम वो ब्रश लेके रगड़ना चालू चालू करेंगे। और जब हाई प्रेशर चाहिए हो पूरे बाहर साफ करने के लिए, वो है वो लास्ट वाला, दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। तो चालू करा जाए, चालू करा जाए, वही पहले लगाया जाएगा साबुन, उसके बाद में ताकि बाद में तेज प्रेशर आएगा ना, फिर पूरा साइड साइड से ताकि इजीली ब्रश रगड़े जब सही से हो जाए सारा। होली की कलर की स्मेल आ रही है इसमें। ये मेरे पास है, एक डोर डालू, एक तो है ही नहीं, फिर दो ही डाल देते हैं, दो मिनट के चालू हो जाएगा ना, फिर वो दो मिनट हो गए ना, नाइस बटन दबाया। तो भाई गाड़ी हमने टायरों पे तो मार दिए थे सोक, अब पूरी गाड़ी पे प्री सोक होगा, फुल भर है। ये मेन चीज क्या, कुछ स्पॉट रह गया? आई थिंक सब कवर हो गया मेनली, अब इसमें मारी आएगी पानी की धार, बट अभी पूरा एक मिनट बचा है सोक का। अब वक्त है तेज पानी की धार, ये झाड़ू सा जो भी दे रखा है ना, इसमें फोम भी ऑटोमेटिकली आ रहा है। सो ये हमारा एक्चुअली स्टेप 3। बट भाई ये बहुत ज्यादा हैवी है, टैक्सिंग काम है, उधर जाना पड़ेगा टायर मेन चीज। ये तो चलेगा निशान, बट हम और अच्छे से निकालेंगे। टायर मिस कर दिया, जमीन पे जो पड़ा हो ना इसे फॉर्म चिपकाओ, इसे यूज करो। बट कन्वीनियंट है, अगर हम यही बंदे को पैसे देंगे तो वो $150 ले लेगा और हम 12-15 में निपट जाएंगे। दैट्स इट ब्रो, मैं खुद चुका बहुत ज्यादा। अब चौथे स्टेप पे आने वाले हैं, गर्मी आ गई लेकिन इससे ये फायदा हो गया। मार जोर से, पूरी गाड़ी में मारियो, our car wash is complete. नहीं, technically एक step और बचा हुआ अभी। Polish वाला, but अब ये लग रही है। But भाई ये logo देख कितना सही चमक रहा है। और main और वो tire भाई जो इतने काले थे,
इतने ज्यादा काले थे वो एटलीस्ट बॉडी कलर से मैच कर रहे हैं वो वाला ये देखो। और एक वो लास्ट टायर उसका वॉक्सवैगन का लोगो ही नहीं है बट कोई बात नहीं। तो भाई ओवरऑल हमें कुछ $12 या $14 गए हमारे पूरी कार वॉश करवाने में इंक्लूडिंग ऑल द स्टेप्स जिसमें तुम्हारा टायर प्री सोक भी हुआ प्रॉपर सोक भी किया वो ब्रश भी यूज़ किया रगड़ने के लिए और हाई प्रेशर वॉश भी कर दी। सो आई थिंक इट्स क्वाइट वर्थ क्योंकि भाई लग रही है कुछ बात आ रही है इसमें। सो आई थिंक भाई जो भी ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो मैं उसको ये रिकमेंड करूँगा कि अपने पैसे खर्च ना करें मैन वो हाथ से कार वॉश करवाने में क्योंकि वो तुमसे $140-$150 ले लेंगे और सेम काम तुम कर सकते हो $12-$13 में। और $150-$150 भाई कार पे भी डिपेंड करता है कुछ कुछ लोग के $300-$300 भी गए। हाँ, अगर SUV है तुम्हारी जैसे हमारे उनकी हमारे एक फ्रेंड जहाँ पे हम काम करते हैं उनके ना ओनर के ना वो SUV है जीप आई गेस जीप वो करा के ग्रैंड चेरोकी $300 की करा के आए उसी दिन होगी बारिश और उनके $300 बर्बाद नाली में वो अलग फ्रस्ट्रेशन में थे। भाई ये है स्पॉट फ्री रिम्स जिससे क्या है इसको करने के बाद डायरेक्ट हम गाड़ी बाहर निकाल सकते हैं अपनी अंटिल ये दोबारा गंदी हो जाए वो तो इनेविटेबल चीज़ है हो ही जाएगी। बट भाई ऐसे तुम देख सकते हो प्रॉपर शाइन आ गया देखो छत इतनी गंदी थी पहले पूरी शाइन आ गई है। सेम विद दिस डोर ये बहुत गंदा दरवाजा था हमारा बिल्कुल सही साफ हो गया और पहिए तो भाई बिल्कुल नए लग रहे हैं जैसे अभी शोरूम से लग के आए हैं। वो देख वो जेट लिखा हुआ ना जेट वॉश है वो जेट वॉश सो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं होता कि तुम गाड़ी साफ खुद कर सकते हो एट ऑलमोस्ट 1/10 द रेट जो तुम्हें एक्चुअली में देना पड़ता। तो आपकी कुछ राय इस बात पर? तो भाई जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे और कार लेंगे भाई पर्सनल हैंड वॉश जिस पे लाइक 150-200 जाते हैं वो मत करवाना अनलेस तुम मिलियनेयर हो वो कर लेना वरना भाई इसमें आओगे आपके मैक्स टू मैक्स 15-16 में आपकी गाड़ी ना एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह चमक जाएगी। बट कुछ दिनों बाद बैक टू बेसिक्स बट कुछ दिनों के लिए खुशी रहेगी तो एक फाइनल ग्लिम्प्स चमक चुकी है गाड़ी हमारी अब चलते हैं घर बाकी सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।